हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। सलमान खान का शो बिग बॉस टीवी की दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल शो है। वहीं जल्द ही सलमान बिग बॉस 13 लेकर आ रहे हैं। हाल ही में हमने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि बिग बॉस सीजन 13 29 सितंबर से शुरू हो सकता है। वहीं इसके अलावा ये भी खुलासा हो गया है कि इस बार के सीजन में दर्शकों को हॉरर थीम देखने को मिलने वाली है। वैसे भी जब से खबरें आई हैं कि इस बार शो में कॉमनर्स नहीं आएंगे, तभी से हर कोई इस इंतजार में है कि इस बार शो में कौन कौन से बड़े सेलिब्रिटी नजर आने वाले हैं। हाल ही में खबरें आई थी कि इस बार शो में जरीन खान, करण पटेल, विवेक दहिया और रणविजय जैसे स्टार्स नजर आ सकते हैं। वहीं अब लीजिए खबरें आ रही हैं कि बिग बॉस 13 के मेकर्स ने शो को हिट कराने के लिए टीवी की दो एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स ने अंकिता लोखंडे और देवोलीना भट्टाचार्य को सलमान खान के शो के लिए अप्रोच किया है। माना जा रहा है कि बिग बॉस के पिछले सीजन में टीवी की पॉपुलर बहू दीपिका कक्कड़ यानी कि सिमर दिखाई दी थी। दर्शकों ने दीपिका कक्कड़ को इस शो में काफी पसंद किया था। शो के दौरान उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि लोगों ने अपनी टीवी की चहेती बहू को वोट देकर जिता दिया था। इसको देखते हुए मेकर्स ने अंकिता लोखंडे और देवोलीना भट्टाचार्य को शो में लाने के लिए अप्रोच किया है। बता दें कि जहां अंकिता जी टीवी के सीरियल पवित्र रिश्ता और कंगना की फिल्म मणिकर्णिका में नजर आ चुकी हैं, वहीं देवोलीना भट्टाचार्य स्टार प्लस के शो साथ निभाना साथिया में गोपी बहू के रोल में नजर आ चुकी हैं। ऐसे में इन दोनों के ही इस शो में आने से मेकर्स को जमकर टीआरपी मिल सकती है। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि इन दोनों ही एक्ट्रेसेस को लेकर मेकर्स कब तक पक्की मोहर लगाते हैं। वैसे आप इस शो में अंकिता और देवोलीना को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।